अयोध्या से बड़ी खबर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की 19 फरवरी को पहली बैठक होगी। संतों को मनाने पहुंचे बीएचपी के उपाध्यक्ष चंपत राय, महंत नित्य गोपाल दास समेत कई संतों से मुलाकात की है। ट्रस्ट में अयोध्या के संतों को शामिल नहीं करने पर बोले चंपत राय, धैर्य रखने में ही मिशन को पूरा करने में भलाई है। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट में योग्य लोग शामिल होंगे। ट्रस्ट की बैठक में होगा मंदिर निर्माण पर विचार। अयोध्या के संत प्रसन्न और संतुष्ट हैं, सरकार ने फैसला सूझबूझ से लिया है। ट्रस्ट की पहली बैठक जहां 19 फरवरी को होगी, उससे पहले अयोध्या के संत खुश हैं, संतुष्ट हैं, क्योंकि बीएचपी के नेता पहुंचे हैं, सरकार ने फैसला सूझबूझ कर लिया है, उनका यह कहना है। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की 19 फरवरी को पहली बैठक होगी। संतों को मनाने पहुंचे बीएचपी के उपाध्यक्ष चंपत राय, महंत नित्य गोपाल दास समेत कई संतों से उन्होंने मुलाकात की है। संतों की नाराजगी को दूर करने का काम अब डैमेज कंट्रोल का काम हो रहा है ट्रस्ट में। अयोध्या के संतों को शामिल नहीं करने पर बोले चंपत राय, धैर्य रखने में ही मिशन को पूरा करने में भलाई है। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट में योग्य लोग हैं शामिल। ट्रस्ट की बैठक में होगा मंदिर निर्माण पर विचार। अयोध्या के संत प्रसन्न और संतुष्ट हैं, क्योंकि सरकार ने निर्णय सूझबूझ से लिया है। अयोध्या से खबर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की 19 फरवरी को पहली बैठक से संतों की नाराजगी का जो डैमेज कंट्रोल करने वाली बात थी वो भी सामने आ रही है। सत्य प्रकाश जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश। जिस तरीके से ट्रस्ट में संतों को जगह नहीं दी गई, अयोध्या के नाराजगी देखने को मिली और उसके बाद डैमेज कंट्रोल, अब बीएचपी के नेता पहुंचे हैं, मनाने की कोशिश या फिर कुछ और? जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से संतों को ट्रस्ट में जगह न मिलने के कारण काफी विरोध शुरू हुआ था, तो अब कहीं ना कहीं संतों के गुस्सों को काबू किया जा रहा है। इसको लेकर जो है बीएसपी और कहीं ना कहीं भाजपा के कई नेता भी इसके पूर्व में लगे रहे हैं। आज चंपत राय खुद संतों के बीच पहुंचे हैं, नित्य गोपाल दास, महंत गोपाल दास, सुरेश दास सहित कई संतों से मुलाकात की है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से संतों का विरोध रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष कारणों से इन संतों को नहीं शामिल किया गया है क्यों, लेकिन उन्होंने एक लाइन जरूर कहा है कि संतों की संख्या ज्यादा है, शायद इसके कारण इन्हें शामिल नहीं किया गया, ताकि और भी किसी लोगों को शामिल न करने के लिए विद्रोह उठे। तो कहीं ना कहीं अब संतों को मनाने के लिए ट्रस्ट मंदिर निर्माण के लिए जो अब तिथि घोषित करनी है, जो अब कार्य शुरू करना है, तो उसको संतों मनाने के लिए कहीं ना कहीं अब विश्व हिंदू परिषद भी सामने आ चुकी है। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, फिर आएंगे आपके पास। सत्य प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।